क्लाइवस्टर के लिए तैयार, क्लाइवस्टर का संकल्प करें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, मैं शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 25 मिनट। कायोत्सर्ग की अवधि में निद्रा या तंद्रा में नहीं जाऊंगा, पूर्ण जागरूक रहूंगी। एडी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लो, श्वास भरते हुए एक हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, दो पंजों के बल पूरा तनाव, तीन एड़ियां नीचे, चार हाथ नीचे, पुनः एक बार, एक दो पूरा तनाव, तीन चार, राइट लेफ्ट, एक दो में राइट, तीन चार में लेफ्ट, पांच छह में थोड़ा पीछे और धीरे धीरे मुड़ते अपने स्थान पर लेट जाओ। हाथों के अंगुलियों को आपस में लोक करें, सांस भरते हुए एक हाथों को पीछे ले जाएं, दो पंजों में तनाव, हाथों में तनाव, पंजों को नीचे खींचें, हाथों को ऊपर, साथ में मूल बंद गुदा द्वार को भीतर सिकोड़े, तीन शरीर को वहीं पे ढीला छोड़ दें, चार हाथों को नीचे ले आएं, पुनः एक बार, एक दो दे तनाव, पंजों को नीचे खींचे, हाथ को ऊपर, साथ में मूल बंद, तीन शरीर को ढीला छोड़ें, चार हाथों को नीचे ले आए, कायोत्सर्ग की मुद्रा, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेलियों का रुख छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, सांस मन शरीर शिथिल, शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, शरीर के ममत्व को छोड़ें, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल
हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स। अनुभव करें शरीर शीशे की भांति भारी हो रहा है, शरीर इतना भारी हो गया है जैसे धरती में धंसा जा रहा हो, पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव। अनुभव करें शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है मानो हवा में तैर रहा हो, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर लें, शिथिलता का सुझाव दें। राइट पैर के अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। ठीक इसी प्रकार क्रमशः प्रत्येक अवयव को स्वतः सूचन द्वारा, ऑटो सजेशन द्वारा शिथिलता का सुझाव देते चले। राइट पैर की अंगुलियां पंजा तलवा एडी टखना पिंडली घुटना
साथल और कटिबा पूरा राइट पे शिथिल हो गया है, चित्त को लेफ्ट पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भार शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। लेफ्ट पैर की अंगुलियां पंजा तलवा एडी टखना पिंडली घुटना साथल और कटिबा कमर के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। पेडू का भाग नाभि से चार अंगुल नीचे तक का पूरा भाग शिथिल 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 हो गया है। पेट का भाग उसकी भीतरी अवयव बढ़िया छोटिया पक्वाश है डेडोनियम अग्नाशय है पेंक्रियास आमाशय यानी पेट स्टोमक किडनी लीवर और डायाफ्राम तनुबंध पूरा पेट का भाग शिथिल हो गया है। भीतर सब सामान्य चल रहा है। वक्षस्थल का भाग दोनों ओर की पसलियां दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा हृदय छाती और सीने का पूरा भाग शिथिल श
शिथिल शिथिल हो गया है। पीठ का भाव रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लगाकर ऊपरी छोर तक का पूरा भाव शिथिल 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 पूरा पीठ का भाव नीचे से ऊपर तक पूरा देख लो। शिथिलता का सुझाव दें, पीठ का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। राइट हाथ का अंगूठा अंगुलियां हथेली मणिबंद अर्थात कलाई का भाग मणिबंद से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल शिथिल शिथिल। लेफ्ट हाथ का अंगूठा अंगुलियां पतेली मणिबंद मणिबंद से कोहनी और कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल शिथिल शिथिल। दोनों कंधे शिथिल रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। गर्दन षड्यंत्र ठुड्डी होंठ जिह्वा मसूड़े तालु दायां गाल बायां गाल दाई कनपट्टी दायां कान बाई कनपट्टी बायां कान ना दाई आँख बाई आँख ललाट और
और सिर आगे से पीछे पूरा चोटी तक का भाग शिथिल हो गया। पैर अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। शरीर के चारों श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चारों शांति का वातावरण, सर्वत्र शांति ही शांति। जैसे विचार हम दूसरों के लिए करते हैं, वही विचार हमारे लिए कार्यान्वित हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसी जैसी भावनाएं हम औरों के लिए करेंगे, ठीक वैसा ही हमारे साथ होगा। जो भी विचारों का संप्रेषण हम इस प्रकृति में करते हैं, प्रकृति उस संप्रेषण को पकड़कर हमारे लिए ही क्रियान्वित करती है। अतः हम जैसा अपने लिए चाहते हैं, वैसी ही भावनाएं औरों के लिए हमें करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख की कामना। प्रत्येक प्राणी के लिए मैत्री भाव। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। भेद विज्ञान का अनुभव करें। जिस प्रकार मथाने में से छाछ और मक्खन को पृथक पृथक किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध किया जा सकता है। जिस प्रकार विद्युत के तार में विद्युत अलग है और तार अलग है, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक विद्युत का रूप है और शरीर तार का। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर अपने ही शरीर से अलग हटकर अपने ही शरीर को देखें। लेटा हुआ शरीर और हम अलग, दृष्टा और दृश्य का भेद दृष्टा बन जाए, अपने ही शरीर की दृष्टा बन जाए। पूरे शरीर में चित्त की यात्रा करें, पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें और पुनः सिर से लगाकर पैर तक शरीर का कण कण चेतना से जागृत हो जाए। दो तीन लंबे गहरे श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के कण कण में चेतना जागृत हो जाए। हाथों पैरों की अंगुलियों में थोड़ा थोड़ा कंपन होने दें, हल्का हल्का हिलाए, धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए बाएं करवट बदलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाए। कोई किसी को स्पर्श न करे, शरण से दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलेपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलेपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलेपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि।